मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होगी, जिसमें प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। और पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहा है आपको सुना? हर रोज नया होता है, तो उसके हिसाब से जो बदली हुई परिस्थितियों में बदली हुई रणनीति होती है, बदले हुए समय होता है, तो इसमें कोई खास नया परिवर्तन की तो बात नहीं है। हमारे सरकार शानदार काम कर रही है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में बहुत कुशलता के साथ संगठन का काम चल रहा है। तो ये कहा जा रहा है केंद्र काम करने नहीं दे रही है सरकार को, इस मुद्दे को लेकर अब इससे तो सभी राज्य पीड़ित हैं, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोग पीड़ित हैं। अब जीएसटी का बकाया है, मनरेगा का बकाया है और योजनाओं का बकाया है, बजट के हिसाब से जो पैसा आना चाहिए वो कहाँ पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों के जितने भी ताकत थी, शक्तियाँ थी टैक्स लगाने की, वो जीएसटी के लिए सरेंडर करा दी गई। अब सरेंडर होने के बाद इनको टैक्स लगाने की पावर नहीं है, और उनको टैक्स लगाने की पावर है, टैक्स लग रहा है, वसूली हो रही है, लेकिन जो कंपनसेशन के रूप में मिलना चाहिए था राज्यों को वो नहीं मिल रहा है। तो ये कठिनाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी बहुत मजबूती के साथ सरकार इन सब कमियों को सामना करते हुए अच्छी तरह से काम कर रही है। सर, चुनाव समिति की बैठक है आज, क्या माना जाए मरवाही का कब तक प्रत्याशी डिक्लेयर कर रही है? अब आज तय कर देंगे, लेकिन घोषणा तो वहाँ से AICC से होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अप्रूवल के बाद जारी होता है, और वो वहीं से जारी होगा, दिल्ली से जारी होगा, तो वो कल जारी हो जाएगा, परसों जारी हो जाएगा। किसान बिल के खिलाफ भी आप लोग कल प्रदर्शन कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा सत्र बुला रही है, विशेष सत्र, नया कानून बनाने जा रही है, इस तरह से देख रहे हैं किसान बिल, जो केंद्रीय किसान बिल के खिलाफ आंदोलन? ये हमारा स्टैंड जग जाहिर है, जो किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों के खिलाफ जो काले कानून पास किए हैं, उसके बारे में भी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 3 दिन पंजाब, फिर हरियाणा, तो उसके लिए एक आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरे देश भर में वो मुहिम जारी है, और ये मुहिम जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिए जाते, कानून वापस नहीं लिए जाते। देखिए, हम सुझाव मानते हैं जो अपनी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के लोगों को से क्या लेना देना है, जो हमें सुझाव दें क्या। उपचुनाव से पहले ग्वालियर में कांग्रेस ने सिंधिया पर चौथा बड़ा